नमस्कार, भावना रसोई में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे काम के किचन ट्रिप्स लाई हूँ। फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे चने लिए हैं काले वाले, और उसमें अक्सर हमारे चने खराब हो जाते हैं और कीड़े लग जाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो इनको हमें क्या करना है, पहले इसको छान लेना है छलनी से। मैंने यहाँ पर लोहे वाला छलना लिया है, तो इसको अच्छे से छान लेना है जितना हो सके। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने सारे कीड़े निकले हैं मेरे। और इसमें कोई भी छेद वाले चने हो या जिसके अंदर कीड़ा हो वो निकाल देने, इस तरीके से। आप देख सकते हैं वीडियो में फ्रेंड्स, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। और इनको हमें अच्छे से साफ करना है। ये देखिए मेरे, चलिए चने सभी साफ हो चुके हैं यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कितने सारी गंदगी इसमें निकली है और बहुत सारे कीड़े भी इसमें निकले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी हमको क्या करना है, एक डब्बा लेंगे साफ सुथरा, और अच्छा धोया हुआ डब्बा लीजिएगा, कोई भी गंदा डब्बा मत लीजिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे। और डब्बे में इसको अच्छे से भर लेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने प्लास्टिक का डब्बा लिया और उसके डब्बे के अंदर मैंने 2 से 3 लौंग डाली। जी हाँ फ्रेंड्स, लौंग से हमारे चने बिल्कुल नहीं बिगड़ेंगे और उसमें कीड़े भी नहीं पड़ेंगे। तो 2-3 लौंग मैंने नीचे डाली हैं, आप चाहें तो चने के अंदर मिक्स भी कर सकते हैं। और 2 से 3 लौंग मैंने डब्बे के ऊपर डाल दी है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब ये चने हमारे 3 से 4 महीने तक अच्छे से फ्रेश रहेंगे। और आप चाहें तो इसके अंदर नमक डाल के भी रख सकते हैं, नीचे की तरफ नमक डाल दीजिए और फिर चने भरकर ऊपर की तरफ भी इसका नमक डाल दीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, दूसरी ट्रिक देखते हैं आज यहाँ पर। हमारा धनिया अक्सर ख़राब हो जाता है, धनिया तो हम लाते हैं फ्रेश देख कर, लेकिन ज़्यादातर हमारे धनिया ख़राब हो जाता है। तो हमें क्या करना, अच्छे से पहले इसको धोना है हमको, और अच्छे से इन पत्तियों को सुखाना है। सुखाकर इसके अंदर जो गंदी जो पत्तियाँ होती है वो निकाल देना है। और इसमें जो पीली पत्तियाँ होती है जो पकी हुई एकदम से, आप देख सकते हैं ये वाली, इस तरीके से इनको निकाल देना और सारे धनिये को अच्छे से साफ कर लेना। फिर एक लेना है टिश्यू पेपर। जी हाँ फ्रेंड्स, टिश्यू पेपर लेंगे हम और अच्छे से इसको लपेटना है। तो हमारा धनिया 7 से 8 दिन तक बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा, एकदम से फ्रेश बना रहेगा। और इसको क्या करना है, एक एयर टाइट कंटेनर में, इस तरीके का मैंने डब्बा लिया, आप देख सकते हैं इस तरीके के डब्बे में हमको डालना है। ये देखिए फ्रेंड्स, टिश्यू पेपर को अच्छे से लपेटना, आप देख सकते हैं सारी गंदी पत्तियां मैं निकाल रही हूँ और एकदम से फ्रेश पत्तियां ले रही हूँ। वो क्या, एक पत्ती भी अगर इसमें सड़ी हुई रह गई तो वो हमारे पूरे धनिये को ख़राब कर देगी, इसीलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें और सारी पत्तियों को अच्छे से साफ करके फिर टिश्यू पेपर के अंदर लपेटना है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ऐसे इस तरीके से, बिल्कुल भी खुला नहीं छोड़ना है और कैसे भी नहीं। ये देखिए अच्छे से लपेटना है आपको टिश्यू पेपर, और फिर हमको डब्बे के अंदर रखना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने सारे धनिये को यहाँ पर लपेट के डब्बे के अंदर रख दिया है। अब हमको डब्बा बंद करके फ्रिज के अंदर रखना है, और जब भी आपका कुछ भी रेसिपी बनाते हो तभी निकाल कर यूज़ कीजिएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तीसरी ट्रिक यहाँ पे है मेरे, यहाँ पे हमारे जो ब्लेंडर जार होता है, जो उसका जो ब्लेड होती है वो शार्प नहीं रहती है और वो बराबर से काम नहीं करती है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें ये जो नमक है वो लेंगे और इसको डालकर इसको चला देंगे तो हमारी नाइफ शार्प हो जाएगी। चौथी ट्रिक है फ्रेंड्स यहाँ पे सींग। जी हाँ, मूँगफली के दाने हैं जो हम लाते तो हैं बाज़ार से, लेकिन थोड़े ही दिनों में उसमें स्मेल भी आने लगती है, और ख़ास तौर तक गर्मियों के टाइम में तो बहुत जल्दी हमारे सींग खराब हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड, पहले इसके अंदर जो गंदगी है या ख़राब जो मूंगफली के दाने हैं उनको निकाल देंगे और अच्छे से साफ़ कर लेंगे। एक भी दाना ख़राब नहीं रहना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कोई भी दाना जो ऑयली दिखे एकदम से ऊपर से वो भी निकाल देना, क्योंकि उसमें बहुत गंदी स्मेल आती है और एक जो मूंगफली का दाना होता है वो सारे दानों को ख़राब कर देता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं निकाल रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ मैं, ख़राब ख़राब सभी मूंगफली के दाने को हमें निकाल देना है इस तरीके से। चलिए फ्रेंड्स, सारे मूंगफली के दाने मैंने यहाँ पे साफ़ कर लिए हैं और इसमें ज़रा भी गंदगी मैंने नहीं रहने दिए। तो आप देख सकते हैं मैंने एक प्लास्टिक का डब्बा लिया है, उसके अंदर हम मूंगफली के दाने को डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और डब्बे को भर देंगे और इसको बंद कर कर फ्रिज के अंदर रखेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, फ्रिज के अंदर रखना है ताकि हमारे सिंग मूंगफली बिगड़ेगी नहीं।
देखिए फ्रेंड्स, अगली ट्रिक है हमारे यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं कभी कभी उसमें कीड़े लग जाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, कीड़े अक्सर हमारे ड्राई फ्रूट्स में लग जाते हैं। मेरे भी यहाँ पे बहुत से ड्राई फ्रूट्स में कीड़े लग चुके हैं, तो पिछले 2 महीने से ये ट्रिक मैंने देखी है। ये देखिए, आपको दिखा रही हूँ मैं कितना ड्राई फ्रूट्स मेरा ख़राब हो चुका है, ऊपर से कीड़ा लग चुका है, उसका अंदर से छेद भी हो चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो इस तरीके की कंडीशन जब आ जाती है तो हमारे महंगे महंगे ड्राई फ्रूट्स ख़राब हो जाते हैं, तब हम सोचते हैं कि इनको क्या करें और फेंकने में कितना दुख होता है हमको, कितना महंगा महंगा ड्राई फ्रूट्स आजकल मिलता है हमको। तो हमें क्या करना है, ड्राई फ्रूट्स को लेना है, अच्छे से साफ़ करना है, उसमें एक भी गंदा ड्राई फ्रूट्स नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वो सबको ख़राब करेगा। सबसे पहले तो इसको साफ़ करेंगे और एक कांच का कंटेनर लेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, कांच का कंटेनर लेंगे और उसमें भरेंगे जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम हो, काजू हो, पिस्ता हो। काजू तो हमारे अक्सर ज़्यादा ही ख़राब हो जाते हैं, लेकिन बादाम थोड़े धीरे ख़राब हो जाते हैं, लेकिन हो जाते हैं, लंबे समय तक टिकते नहीं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 बड़ी इलायची। जी हाँ फ्रेंड्स, बड़ी इलायची लीजिएगा। आप चाहें तो दालचीनी का भी टुकड़े ले सकते हैं, लेकिन दालचीनी से क्या है, हम जब मिठाई वगैरह कुछ भी बनाते हैं तो उसका फ्लेवर अंदर आ जाता है। और यहाँ पे इलायची ली है तो इलायची का फ्लेवर तो हमारे मिठाइयों के अंदर होता ही है। तो आप इसको अच्छे से टाइट करके एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए, आपका ड्राई फ्रूट्स ख़राब नहीं होंगे। और आशा करती हूँ फ्रेंड्स, आज की जो टिप्स हैं वो आपको पसंद आई है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को लाइक कीजिए। फ्रेंड्स, आपके लिए मैं ऐसे ही नए नए टिप्स और वीडियोस लाती रहूँगी, तो ऐसे ही मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।